Assalamualaikum warahmatullah. अजान दे दें, आगे से हट जाओ क्या अजान. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پیشتے سے کہ خطبے کا اصل مضمون شروع کروں, ایک دو امور میں اصلاح کرنی چاہتا ہوں. بعض دفعہ
देर से, बहुत देर से पढ़ी हुई कुतुब का मज़मून तो जहन में याद रहता है, लेकिन उसकी सन इशात वगैरह और इस किस्म की नामों की तफासील में बाज़ दफ़ा गलतियाँ लग जाती हैं। तो खुतबे के बाद बाज़ दफ़ा बाहर से कुछ अहमदी दोस्त तस्हीह करवा देते हैं, और बाज़ दफ़ा मुझे ख़ुद खुतबे के बाद याद आना शुरू हो जाता है कि गालबन ये बात नहीं थी, ये थी। इस पहलू से दो बातों में तस्हीह करनी ज़रूरी है। एक तो बहुत ही अहम है क्योंकि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम के साल से ताल्लुक़ रखती है। मैंने ये बयान किया था कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 1905 में ये इल्हाम हुआ कि फ्री मेसन मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये 1901 का इल्हाम है। और 1905 में मैंने ये भी बयान किया था कि अंग्रेज़ी में पहली मर्तबा प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन किताब शाया हुई, जिसमें फ्री मेसन के तसल्लुत का एक मंसूबा है, या फ्री मेसन उस यहूद के तसल्लुत के मंसूबे में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो 1905 में रशियन ज़ुबान में बाकायदा किताब की सूरत में शाया हुई थी, अभी अंग्रेज़ी में शाया नहीं हुई थी। तो इससे और भी ज़्यादा हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम को अज़मत मिलती है और अक़लें दंग रह जाती हैं कि अभी ये किताब रूसी ज़ुबान में आई थी और रूस से बाहर की दुनिया के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये मंसूबा क्या है। और उस वक्त अल्लाह ताला ने उससे पहले, यानी 4 साल पहले 1901 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बता दिया कि कोई दुनिया में यहूद के तसल्लुत का मंसूबा है जिसमें फ्री मेसन्स ने अहम किरदार अदा करना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर और तुम्हारी जमात पर फ्री मेसन मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। एक और गलती उसमें थी जो मुझे किसी ने तवज्जो तो नहीं दिलाई, ना मेरे पास वक्त मिला है पूरा वक्त तहकीक कर सकूँ, लेकिन मुझे ये गालिब गुमान खुतबे के बाद गुजरा कि वो गलत कह गया हूँ। एक बयान मैंने डिज़राइली की तरफ मंसूब किया था, खुतबे के बाद मुझे ख्याल आया कि वो तो 19वीं सदी के गालबन तीसरे हिस्से में पहले यहूदी वज़ीर आज़म हैं जो इंग्लिस्तान में वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँचे थे, तो उनका वो बयान हो नहीं सकता क्योंकि ये बयान देने वाला 20वीं सदी के किसी हिस्से में बयान दे रहा होगा। क्योंकि बयान देने वाला ये कहता है कि यहूद कहते हैं इस किताब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किताब में जो मंसूबा बयान हुआ है वो मंसूबा उसी तरह खुलता चला जा रहा है जैसा कि किताब में बयान किया गया है। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि ये किताब मंसूबा बनाने वालों की ना हो, और चूंकि वो मंसूबा यहूद के मर्ज़ी के मुताबिक बन रहा है इसलिए लाजमन वही होगा। तो मुझे याद पड़ता है कि अगर वो नहीं थे तो गालबन हेनरी फोर्ड थे। हेनरी फोर्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और फोर्ड कंपनी के वो बानी मुबानी हैं, और उनकी सारी दौलत वफाए आमा के कामों वगैरह पर खर्च हुई, और उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहूदी दजल और यहूदी साजिशों को बेनकाब करने पर गुजरा, और गालबन एक फाउंडेशन भी उन्होंने इस गरज से कायम की थी। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात है, असल तबसरा वही था जो मैंने बयान किया है। और आज उसके भी बहुत मुद्दत के बाद, यानी ये बयान गालबन 1900 के पहले दो दहाकों में दिया गया था, 20 के करीब, उसके बाद आज करीबन 70 साल गुजर चुके हैं और वो मंसूबा बिल्कुल उसी तरह जैसा कि बयान किया गया था या तहरीर में मौजूद है खुलता चला जा रहा है। अब जंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये बयान कर रहा था कि इस जंग के पस मंज़र में क्या क्या बातें हैं, क्यों हो रही है, और जब तक हम इसको तफसील से नहीं समझेंगे उस वक्त तक फिल हकीकत नई दुनिया का नक्शा बनाने के अहल नहीं बन सकते। अभी ताज़ा सूरत यह है कि
अमन के क़याम की कोशिशें यकदम तेज़ कर दी गई हैं और उनसे अमेरिका के दो मफादात वाबस्ता हैं। जिस तरह पहले फ़िज़ाई हमले की मुहिम से पहले इन्होंने दुनिया पर यह असर डाला कि हम तो बड़ी माकूल तजवीज़ सद्दाम हुसैन के सामने बार बार पेश करते हैं, अमन के ख़्वाह हैं, जंग के ख़्वाह नहीं, लेकिन देखो ये रद्द करता चला जा रहा है। इसी तरह अब दूसरे मरहले में जंग दाखिल होने वाली है जो बाद लिहाज से इन इत्तेहादियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अगरचे जिस तरह के इनको गैर मामूली मादी गलबा हासिल है, ये इराक़ का ज़्यादा यूँ नुकसान कर सकते हैं, मगर इनकी इनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बस इस मरहले पर इन्होंने बैन ही उसी मुहिम का दोबारा आगाज़ किया जिससे दो फवायद हासिल करने थे। अव्वल ये कि अगर इस मरहले पर सद्दाम हुसैन अपने नुकसानात का जायज़ा लेते हुए खौफ खा जाएं और इराक़ की राय आमा उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो और वो कहें कि काफ़ी हलाकत हो गई है, बस करो, अब मान जाओ, इतनी सी बात है कि कुवैत खाली करना है, तो उससे जो इराक़ की ताकत को पारा पारा करने वाला मकसद था वो भी हल हो चुका और कुवैत भी खाली करवा लिया गया और वो अमेरिकन जानें भी बचा ली गईं जिनका सबसे ज़्यादा इनको ख़तरा है। और इस मरहले पर बार बार कुवैत पैगंबर भिजवाए गए, ख़ा वो पाकिस्तान के पैगंबर थे या बगदाद को की तरफ, और बगदाद की तरफ पैगाम देने के लिए दूसरे ममालिक की तरफ पैगंबर भिजवाए गए जिनका मकसद ये था कि मसले को सिर्फ इस शक्ल में पेश करें कि कुवैत खाली करने की बात है, सारी जंग ख़त्म हो जाएगी और सारा झगड़ा तय हो जाएगा, इसलिए इतनी सी बात के ऊपर ज़िद ना करो, काफ़ी नुकसान उठा बैठे हो। लेकिन असल वाक़या ये नहीं है, मैंने पहले भी एक दफ़ा खुतबे में बयान किया था, ये बिल्कुल एक झूठ और दजल है। सद्दाम हुसैन ने कभी भी कुवैत खाली करने से इनकार नहीं किया। सद्दाम हुसैन हमेशा ये मौक़िफ़ लेते रहे हैं कि कुवैत पर मेरा हमला जारहाना है, लेकिन इसी किस्म के जारहाना हमले पहले इसराइल की तरफ से मुसलमान ममालिक पर हो चुके हैं और उनका कब्ज़ा मौजूद है उसी तरह, बावजूद इसके कि यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल्स ने बार बार रेजोल्यूशंस के ज़रिए इसराइल का कब्ज़ा नाजायज़ करार दिया है। तो अगर तुम वाकई सुलह चाहते हो तो इस बात पर गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, सिर्फ कुवैत का मसला नहीं है, दोनों को इकट्ठा देखो ताकि कुवैत भी खाली हो और दूसरे मकबूजा इलाके भी खाली हों और ये मसला जो बड़ी देर से एक जुल्म का मूजी बना हुआ ये कटे एक तरफ से। इसको अमेरिका इस शिद्दत से रद्द करता रहा है कि जितने भी पैगंबर इराक की तरफ जाते रहे या दूसरे ममालिक की तरफ ताकि वो इराक पर जोर डालें, उनको ये सख्ती से हदायत रही है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को यार को भी यही हदायत थी कि तुमने गुफ्तगू शनीद नहीं करनी इस मसले पर, इन दोनों मसाइल को यानी फ़लस्तीन के मसले को और कुवैत के मसले को इकट्ठा एक मेज़ पर ज़ेर बहस ही नहीं लाना, क्योंकि अगर वो ज़ेर बहस ले आएँ तो उससे अमेरिका का दजल खुल जाता है और वो अरब मुसलमान ममालिक जो इस वक्त अमरीका के साथ हैं उनके लिए बड़ी सख्त नफसियाती मुश्किल पैदा हो जाती है। अमेरिका इनकार कर रहा है कि नहीं, वो खाली नहीं करेगा और तुम खाली करो, ये एक ऐसी खुली खुली धांधली और ज़्यादती है कि मुसलमान ममालिक हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है कि फिर वो अपने साथ को कायम रखें। ये अलग बात है कि वो जिस वजह से वो साथ है वो जगह वजह अभी रहेगी, लेकिन इसकी बाद में बात करूँगा। आज जो ताज़ा ख़बर आई है, सदर सद्दाम हुसैन ने जिस तरह पहले अक़ल और हिकमत अमली में बार बार इनको मात दी है
एक और मात दे दी है, और वो इस तरह के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का इजलास तलब करवाने में उसने रूस से मदद मांगी और दूसरे बाज़ मुल्कों से, चुनाचे ये वो मान गए। चुनाचे जो मसला वो मेज़ पर लाना नहीं चाहते थे, अब वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेज़ पर आ गया है। और सद्दाम हुसैन ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ ये, हम कुवैत खाली करने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इन सब मसाइल को इकट्ठा देखे और पहले ये समझाए हमें कि रेजोल्यूशन 242 पे क्यों अमल नहीं हो रहा, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिसमें कुल्लियतन सारा इल्ज़ाम सारा इत्तेहाम यहूद पर है और ये जुर्म साबित किया गया है कि उन्होंने जारहाना जंग की थी और अज़राए सितम वो इलाके हत्याएं हैं। तो इस मरहले पर इस वक्त जंग दाखिल हुई है। जहाँ तक ज़िम्मेदारियों की तयीन का ताल्लुक है, हम किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। ये मज़मून चूँकि काफ़ी लंबा है, मुझे अभी और वक्त लगेगा इसको समझाने में, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये जंग तो अल्लाह बेहतर जानता है कब किस हालत में ख़त्म हो, लेकिन जंग के साथ मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल बढ़ेंगे। और इस जंग के नतीजे में पहली बात जो ज़ाहिर हुई है वो ये है कि वह अखरजत अल अर्द अस्काला का मज़मून दिखाई दे रहा है कि इस ना सिर्फ मशरिक़ वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल ज़मीन ने उगल दिए हैं, बल्कि सारी दुनिया में जो मिलते जुलते मसाइल हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं और दुनिया के नज़र के सामने आ रहे हैं। नई दुनिया का नक्शा क्या होगा, इसमें बड़ी छोटी कौमों के ताल्लुकात क्या होंगे, यूनाइटेड नेशंस को क्या किरदार अदा करना होगा, वो किरदार अदा कर भी सकती है कि नहीं, ये सारे मसाइल और भी इससे मुतल्लिक मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। तेल की दौलत पर किसको तसल्लत है, किस तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो चाहे जंग हो या ना हो, ख़त्म हो या जारी रहे, मेरा मज़मून बहरहाल जारी रहेगा क्योंकि इसका ताल्लुक लंबे आलमी मसाइल से है। जहाँ तक जंग की ज़िम्मेदारी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ सद्दाम हुसैन साहब पर लाजिमन इतनी ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि उन्होंने कुवैत पर हमला किया और उस हमले में बहुत जल्दी की और उसके नतीजे में अपनी साख को भी और इराक़ की साख को भी नुकसान पहुँचाया। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि दुश्मन के जाल में फंसे, क्योंकि अब जब के इस मसले पर बहसें उठ रही हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, तो बाज़ अमेरिका के साहिब इल्म दानिश्वर ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, साहिब इल्म लोगों ने ये खुल के एतराफ़ किया है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बस अमेरिका ने जो शरारत की, ये उस शरारत में फंस गया, ये बहुत बड़ा एक जुर्म है, इस लिहाज से ये भी ज़िम्मेदार है। अमेरिका के जो किरदार का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जेम्स एकिन्स का बयान वो लिखते हैं कि जो मौजूदा अमरीकी सफ़ीर हैं, एक ख़ातून हैं ग्लास्पी गालबन उनका कुछ अप्रैल ग्लास्पी नाम है उनका, मुझे कामिल यकीन है कि अमरीका ने ग्लास्पी के ज़रिए सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले करने के लिए अंगेख्त किया और यकीन दिलाया कि ये तुम्हारा अंदरूनी मामला होगा, हम इसमें दखल नहीं देंगे। जनरल माइकल डूगन का बयान है कि जहाँ तक अमेरिका की, ये जनरल माइकल डूगल इनकी चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जिनको फारिग कर दिया गया है, और किस जुर्म में फारिग कर दिया गया वो ये था कि इन्होंने बाज़ जर्नलिस्ट से के सवाल जो आपके दौरान उनको बताया कि अमेरिका का असल मकसद ये है कि
कि सदर सद्दाम हुसैन और उनके साथी, उनके ख़ानदान और उनके साथियों को सब के सर कलम किए जाएं और उन पर हमला करके इस किस्से को, इस कज़िये को निपटाया जाए, और एयरफोर्स इस मकसद के लिए तैयार है। और साथ ये भी बयान दे दिया कि ये तजवीज़ इसराइल की तरफ से आई थी। अब इतने बड़े ओहदेदार जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका ये बयान एक माने रखता है, ये किसी गैर मुतल्लिक मुबस्सिर का बयान नहीं है, कि दरअसल सदर सद्दाम पर एक कातिलाना हमला करवाने का मंसूबा था, और उनके ख़ानदान पर और दूसरे बड़े लोगों पर, और इस ज़रिए से वो मसला हल करना चाहते थे। इसके मुतल्लिक अमेरिका ने बहुत सख्त रद्दअमल दिखाया, लेकिन कोई जवाब उनके पास नहीं है इस बयान के ख़िलाफ़। वाकया ये है कि इससे पहले सदर कज़ाफ़ी पर ऐसा ही हमला करवा चुके थे, और सब दुनिया जानती है अमरीकी कानून सदर को ये इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर मुल्क में कत्ल करवाए, अगरचे कत्ल करवाते रहते हैं, और उसका नाम इन्होंने कवर्ट ऑपरेशन रखा हुआ है, यानी मख्फी कार्रवाइयाँ। मगर जब मख्फी कार्रवाई ज़ाहिर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। इसलिए यहाँ ये जुर्म बन चुका है, और अमरीका लाजिमन इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। तीसरी बात, अक्वामे मुत्तहिदा के नाम पर यह कार्रवाई है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत से मुल्क ख़रीदे गए हैं, बहुत से मुल्कों पर सियासी दबाव डाला गया है, बहुत से ममालिक को आइंदा की लालचें दी गई हैं, और है ये सारा अमेरिकन खेल। इस बारे में सदर सद्दाम हमेशा से यही कहते रहे कि इसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखना है, तमस्खर है यूनाइटेड नेशंस के साथ, अमलन अक्वामे मुत्तहिदा नहीं है बल्कि अमेरिका है। लेकिन हाल ही में जो वाकया हुआ है वो ये कि अमेरिका के सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जब गुफ्त शनीद के लिए सद्दाम हुसैन के पास गए, तो उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि ये तो सारी कार्रवाई दुनिया को धोखा देने के लिए अमेरिकन कार्रवाई है, इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखना ही गलत है। तो डोकोया ने कहा कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल यही हुआ है, लेकिन जहाँ तक रस्मी पोजीशन लेने का ताल्लुक है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसका इकरार कर सकूँ। उसको अमेरिका ने छुपाने की कोशिश की इस बयान को, क्योंकि जब इन्होंने वापस जाके रिपोर्ट पेश की तो उस रिपोर्ट में ये और ऐसी और बातें, बाज़ तरफ़ात शामिल थे, लेकिन सदर सद्दाम हुसैन ने इसको पब्लिसाइज कर दिया, खोल दिया है, और इंग्लिस्तान के बाज़ अखबारों में छप चुकी है जो मैंने पढ़ी है। तो अव्वल ज़िम्मेदारी इस जंग की अमेरिका पर आयद होती है, अगरचे सद्दाम को इस्तेमाल किया गया है, और सद्दाम की जहाँ तक ज़िम्मेदारी है उसमें बाज़ ऐसी वजूहात हैं जिनके पेश नज़र हम उसे किसी हद तक मजबूर भी करार कर दे सकते हैं। इत्तेहादियों की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है, और जुल्म की बात यह है कि इत्तेहादियों ने अपने मकासद की खातिर ये काम किया है, और तमाम इत्तेहादियों के कुछ ज़ाती मकासद और मनफतें थीं जो इसके साथ वाबस्ता थीं। इसराइल की ज़िम्मेदारी ये है कि सारा मंसूबा इसराइल का है, जैसा कि मैं पहले इशारा कर चुका हूँ, और इसराइल की इससे बड़ी चाल दुनिया में हो ही नहीं सकती थी कि एक बढ़ती हुई मुसलमान ताकत को, जो उसके लिए हकीकी ख़तरा बन सकती थी लड़ाई के दौरान, इस तरह बर्बाद करा दे कि रुपया या मुसलमान हुकूमतों का इस्तेमाल हो या बाज़ और इत्तेहादियों का, और सिपाही अमरीकनों और अंग्रेज़ों के और अरबों के इस्तेमाल हो, और मकसद इसराइल का हासिल हो, और ज़िमनन उसको कुछ और इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए बहाना भी मिल जाए, और $9 बिलियन मुनाफे के भी हाथ आ जाएं, और ये हक भी रहे कि जब चाहूँ मैं मरे मिटे, अगर खुदा ना खास्ता अगर इराक़ का यह हाल हो जाए, तो मरे मिटे इराक़ पर अपनी मज़ीद इंतकामी कार्रवाई पूरी करूँ। तो सबसे बड़ा जुर्म का फ़ायदा
इसराइल को पहुंचा है और सबसे ज्यादा इसमें वो जिम्मेदार करार पाता है। यूनाइटेड नेशंस भी जिम्मेदार हैं जब पाकिस्तान में असेंबलियों में मेंबरान की खरीद फरोख्त शुरू हुई थी तो उस वक्त ये इस्तलाह सामने आई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो थी लेकिन ये नहीं पता लगता था कि ये कहाँ से आया है नुक्ता। हॉर्स ट्रेडिंग का यानी मेंबरान असेंबली को ख़रीदना अपने सियासी मकासद के लिए, ये इसका नुक्ता आगाज क्या, कहाँ से ये ख्याल आया? अब पता चला है कि ये अमेरिका का ही है ख्याल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में वोट खरीदने में उन्होंने बड़ी खुली खुली हॉर्स ट्रेडिंग की है। इसलिए यूनाइटेड नेशन अगर ऐसा इदारा बन चुका है जिसे दौलतमंद कौमें अपने दौलत के बिरते पर ख़रीद सकें, तो ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म है बल्कि एक खुदकुशी है और इस इदारे का एतबाद हमेशा के लिए उठ जाता है। इसके अलावा कुछ तारीखी पस मंज़र हैं, उनको आपको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। हुकूमत बरतानिया मैं बताता हूँ एक मिनट, हुकूमत बरतानिया का किरदार और यहूदी साजिश जो इसराइल के क़याम के लिए की गई थी, इसकी तफासील में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 में ये मंसूबा बनाया था और इंग्लिस्तान उस मंसूबे के तहत बहुत से यहूद साइंसदान और दानिशवरों को मगरबी ताकतों में नफूज पैदा करने के लिए मुकर्रर किया गया। उनमें एक केमिस्ट थे जिनका नाम है वाइजमन, पढ़ा जाता है वाइजमन भी शायद मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने चेक किया है प्रोनंसिएशन जर्मन है विट्समन WEIZMANN। ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े माहिर थे, पोलैंड के बाशिंदे हैं, जर्मनी में तालीम हासिल की और इंग्लिस्तान पिछली जंग अजीम से पहले आ गए और यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और बाकायदा इन्होंने साहिब असर लोगों से रबते किए और सबसे ज़्यादा इनका असर बेलफोर, उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी बेलफर है अंग्रेज़ी में, वो मैं पहले मुतरद्दिद था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिस्टर बेलफर जो लॉयड जॉर्ज की हुकूमत में 1516-17-18 उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन पर इन्होंने सबसे ज़्यादा नफूज किया और सबसे ज़्यादा सख्त जिद्दोजहद इसराइल के क़याम के लिए मिस्टर बेलफर ने की है। बस बरतानिया भी इसमें इस मसले में इस मौजूदा जंग में बाकायदा एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पर शुमार होगा, क्योंकि ये मसला फी जाते ही बिल्कुल नाजायज़ और कुछ मसला बनने का हक ही नहीं रखता। किसी के मुल्क में जाकर किसी और कौम को ठोंस दो वहाँ और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और फिर अपने खुद मैंडेट्स के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, अपने मुहदों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जुल्म पर जुल्म करते चले जाओ, इसके लिए तो कोई जवाब किसी किस्म का नहीं है। चूँकि सबसे बड़ा किरदार अंग्रेज़ी कौम ने उसमें दिखाया, इसलिए अंग्रेज़ी कौम हमेशा इस ज़िम्मेदारी में शरीक रहेगी। लेकिन ज़िमनन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अंग्रेज़ी कौम सारी की सारी शुरू में इस कार्रवाई में शरीक नहीं थी। ये जो मैंने पीछे हवाले वगैरह इख्तबासात वगैरह का ज़िक्र किया है उनके असल हवाले मेरे पास लिखे हुए सब मौजूद हैं, ये मैं इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा था कि वक्त बचे, लेकिन जब खुतबा छपेगा तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये साथ दे दूंगा हवाले, या कैसेट के साथ भी ये बयान किए जा सकते हैं बाद में किसी और की तरफ से।
वो जो जिद्दोजहद है 1917 से लेकर 18-19-20 तक की इंग्लिस्तान में, उस जिद्दोजहद के मुताले से पता चलता है कि मुसलमानों ने भी बहुत बड़ी गफलत का सबूत दिया है, जबकि यहूद हर तरफ साजिशों का जाल फैला रहे थे, साहिब असर लोगों पर असरअंदाज हो रहे थे, मुसलमान इस मसले से गाफिल थे। चुनाचे लॉर्ड कर्जन, जो बालफर के बाद वजीर खारजा बने और जिन्होंने मुसलमानों की हमायत की है बड़े ज़ोर के साथ, उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज़ बातों का इंकशाफ किया है कि कुछ समझ नहीं आती कि यकतरफा जहूद लगे हुए हैं, साजिशों का जाल फैला रहे हैं और पूरी कोशिशें कर रहे हैं, और अरब तो यूँ लगता है कि जैसे चाबी के सुराख से, पीप होल से बाहर से सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और उनको इजाज़त ही नहीं दी जा रही कि वह दाखिल हों, या उनको खुद होश नहीं है। बहरहाल ये कहना कि सारी कौम इस मंसूबे में शामिल थी, ये दुरुस्त नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने बड़ी शिद्दत से मुखालफत की, वो इस नुक्ते के, इस इसराइल के क़याम की गर्ज़ व ग़ायत को खूब अच्छी तरह समझते थे। वो लिखते हैं कि बार बार मुझ पर ये दबाव डाला गया कि मैं इसराइल का तारीखी ताल्लुक फ़लस्तीन की ज़मीन से कबूल कर लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह बहुत गहरी साजिश है, बहुत ख़तरनाक साजिश है, बहुत लंबा असर दिखाने वाली साजिश है। एक दफ़ा अगर मैंने इसको तस्लीम कर लिया तो यहूद को रोकने के लिए और पाबंद रखने के लिए हमारे पास कोई उज़र नहीं रहेगा। अपनी सारी पुरानी तारीख दोहरा कर कहेंगे, हमने वहाँ ये किया था इसलिए आज हमें यह हक़ है, हमने फलां ज़माने में ये किया था इसलिए आज हमें यह हक़ है। चुनाचे आखिर तक वो एडमेंट रहे हैं इसके ख़िलाफ़, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर लॉयड जॉर्ज की कैबिनेट अंदर अंदर यहूद के बाद मख्फी मंसूबों के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता यहूद के नफूस की यहूद के दायरे असर में मुंतकिल होती रही, और बिलाखिर उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास करवा लिया मसला कि यहूद को फ़लस्तीन में इस बिना पर दोबारा कायम किया जाए कि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। वो पहला फ्रेज़ जिस पर बड़ी सख्ती से लॉर्ड कर्जन ने एतराज़ किया था, उसको चलाकी से बदल कर सिर्फ ये कर दिया गया कि हिस्टोरिकल कनेक्शन है, और उसके अलावा जो तहरीर है वो आप, मैं इस वक्त पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो हैरान होंगे कि बहुत ही शातिराना ज़ुबान इस्तेमाल की गई है ताकि यहूद के सारे मकासद उससे पूरे हो जाएं। अगला हिस्सा, जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश हुआ तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यकीनन हमें ये हक़ देना चाहिए कि उन्होंने पूरे इंसाफ का मुजाहरा किया, और इंसाफ के अलावा एक बहुत सख्त तंबीह की खुद अपनी कौम को कि तुम ऐसी हरकत ना करो, वरना ये बहुत ही ख़तरनाक जुल्म होगा जिसके दूर दूर तक और बहुत देर तक असरात जारी रहेंगे। हम नहीं कह सकते कि कभी ये बद असर ख़त्म हो भी सकेंगे कि नहीं। चुनाचे हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसको रिजेक्ट किया और बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको दोबारा पेश करके पास करवाया गया। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मेंबर थे लॉर्ड सिडनम, उन्होंने बेलफर का जवाब देते हुए कहा, द हार्म डन बाई डंपिंग डाउन एन एलियन पॉपुलेशन अपॉन एन अरब कंट्री, अरब्स ऑल अराउंड इन द हिंटरलैंड मे नेवर बी रेमेडीड। What we have done is by concessions, not to the Jewish people, but to a Zionist extreme section, to start a running saw in the East, and no one can tell how far that saw will extend. कहते हैं कि ये हरगिज ऐसा ना करो, हमें कोई हक नहीं है कि अजनबी लोगों को अरबों के दिल में नाफिज मुसल्लत कर दें, ऐसे इलाके में जहाँ इर्द गिर्द चारों तरफ
अरब आबादियां ही हैं, और अगर ऐसा तुम करोगे तो अमलन वहां एक ऐसा नासूर पैदा कर दोगे जिस नासूर की जड़ों के मुतल्लिक हम कुछ नहीं कह सकते कि कहां कहां फैलेंगी और कितनी कितनी दूर जाएंगी। बस अंग्रेजी कौम में इंसाफ उस वक्त भी था, अब भी है, चुनाचे आज भी इनके बड़े बड़े दानिश्वर इस मसले पर बड़ी जुर्रत के साथ अपने दयानतदाना राय का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, साजिशें बहुत गहरी हैं और बहुत हद तक ये यहूदी चंगल में आ चुके हैं। उस ज़माने में, आज अमेरिका ज़िम्मेदार है, लेकिन उस ज़माने में अमेरिका में भी इंसाफ था। चुनाचे सदर वुडरो विल्सन ने 1918 में जो असूल पेश किए उसमें उन्होंने ये असूल पेश किया था कि अमेरिका इस असूल को हमेशा सरबुलंद रखेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं पैदा होने देगा कि जिस इलाके के मुतल्लिक को फैसला किया जा रहा है उस इलाके की अक्सरियत का अव्वल हक है कि वो अपनी तकदीर के फैसले में शामिल हो। अगर वो नहीं मानते तो किसी का दुनिया में हक नहीं है कि वहाँ उस पर वो फैसले को ठोसा जाए। उस वक्त अमेरिका की यह हालत थी। चुनाचे एक किंग क्रेन कमीशन उन्होंने 1919 में भिजवाया। उस किंग क्रेन कमीशन ने भी बड़ी वजाहत के साथ बहुत ही मुनसिफाना रिपोर्ट पेश की और उसमें लिखा कि हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि बहुत बड़ी ताकत के इस्तेमाल और बहुत बड़े खून खराबे के बगैर ये इसराइल को वहाँ नाफिज नहीं किया जा सकता। और क्यों ऐसा किया जाए? क्या इसलिए कि 2000 साल पहले ये लोग यहाँ आबाद थे? वो लिखते हैं कि अगर ये दलील तस्लीम कर ली जाए तो दुनिया से फिर अकल इंसाफ सब कुछ मिट जाएगा। ये तो दलील ऐसी लगव है कि इसको जेरे गौर ही नहीं लाना चाहिए। कुजा वो ज़माना और कुजा ये ज़माना कि मुकम्मल अमरीकी ताकत पूरी की पूरी यहूद के हाथों में कठपुतली की तरह खेल रही है। ना कोई इंसाफ, ना कोई अकल, ना कोई अखलाकी कदरें, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो मुसलमानों का कसूर इसमें यह है कि उनको अपने मफाद के लिए बेदार मगजी के साथ हालात का जायज़ा लेना चाहिए था और इन हालात में जिस तरह ये अपना यहूद अपना असर बढ़ा रहे थे उनको भी अपने असर नफूज को इस्तेमाल करना चाहिए था। मगर मालूम होता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इनकार के बाद उनमें कोई ऐसी लीडरशिप ही नहीं रही जो सारी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर गौर करें और उनको एक जिंदा जिस्म के तौर पर एक दिमाग और एक दिल से मुंसलिक रख कर आगे चलाए। ब्रिटिश संडे इन ब्रिटेन द संडे टाइम्स 12 अगस्त which has called for war since day one of the crisis has been equally frank. جہاں تک reasons کا تعلق ہے کہ مقاصد کیا ہیں, کیوں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, اس کے متعلق یہ سوشلسٹ اسٹینڈرڈ اپنی 1990 کی اشاعت میں رقم تراز ہے کہ سنڈے ٹائمز نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مقاصد خود غرضانہ ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ the reason why we will shortly have to go to war with Iraq is not to free Kuwait. کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے, کویت شویت کا جو بہانہ ہے کہ اس کو آزادی کی خاطر ہم مرے جا رہے ہیں یہ سب بالکل بکواس ہے. Though that is to be desired, ہاں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے, کیوں نہیں. Though that is to be desired or to defend Saudi Arabia, though that is important, نہ ہی ہم اس غرض سے گئے ہیں وہاں یا جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حفاظت کریں, اگرچہ یہ بھی ایک اہم بات ہے. It is because President Saddam is a menace to vital Western interests in the Gulf above all the free flow of oil at market prices which is essential to the Western to the West's prosperity. در حقیقت مغرب کے ان تیل کے چشموں پر جو خلیج میں بہتے ہیں حقوق ہیں,
और हम उन हकूक की हिफाजत की खातिर जा रहे हैं और ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते कि सद्दाम हुसैन उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव से खेले। लेकिन दर हकीकत ये पूरा एतराफ़ नहीं है। अमरे वाक़या ये है कि इन मकासद में इसराइल को इराक़ के ख़तरे से हमेशा के लिए महफूज करना और इसराइल पर से ये थ्रेट, ये धमकी दूर कर देना हमेशा के लिए कि कोई मुसलमान मुल्क उसको चैलेंज कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा मकसद था। और अगर और वैसे इस मकसद का तेल के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इसराइल के क़याम की गरज में एक गरज ये भी शामिल थी कि मुसलमान ममालिक के ऊपर एक पहरेदार बिठा दिया जाए जो जब भी ज़रूरत पड़े उनकी गोशुमारी कर सके। जब वो मुसलमान ममालिक बात ना माने तो फिर उनको सबक सिखाने वाला एक नुमाइंदा मौजूद रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जंग के नफ़ा नुकसान का अब तक का ख़ुलासा क्या है। कुल खर्च अब तक 89.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। इसमें से 30 बिलियन डॉलर फी योम 1 बिलियन डॉलर के हिसाब से खर्च हो रहा है। आज 30 दिन हो चुके हैं और 9 बिलियन बताया जाता है कि जंग से पहले अमेरिका का खर्च हो चुका था, 2 बिलियन जंग से पहले अंग्रेज़ों का खर्च हो चुका था। इनका जो रोज़ खर्च हो रहा है उसका भी कोई शुमार मुअय्यन मालूम नहीं हुआ, वो इसके अलावा है। इसके अलावा दूसरे मूल ममालिक को ख़रीदने पर जो इन्होंने खर्च किया है वो भी जंग के अखराजात में शामिल है। मिस्र को 21 बिलियन कर्ज़े माफ़ किए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने मिलत इस्लामिया के मफाद की कितनी कीमत के मफाद बेचने के लिए कितनी कीमत वसूल की है। इसराइल को 13 मिलियन अब तक इस शाबाश इस गैर मामूली सब्र दिखाने के नतीजे में इनाम के तौर पर दिया और शाबाश के तौर पर दिया गया है कि तुम्हारे चंद सौ जो ज़ख्मी हुए हैं स्कट के, उनके नतीजे में तुमने ये फैसला किया है कि हम फौरी इंतकाम नहीं लेंगे, और जब तुम सब कुछ अपना कर बैठोगे, अपने इराक को पारा पारा कर दोगे, फिर हम आएंगे किसी दिन और अपनी मर्ज़ी से दिल खोल कर इंतकाम लेंगे। ये इतना हैरत अंगेज़ सब्र का मुजाहरा है कि उसके नतीजे में हम तुम्हें और बातों के अलावा जंगी हथियार भी बहुत दिए गए। 13 बिलियन डॉलर तोहफा देते हैं। रूस के मुतालिक अल अरेबिया या अल अरब है अखबार, उसने बयान दिया है, इंग्लिस्तान से शाया होता है, कि 3 बिलियन रूस को सऊदी अरब ने दिया है और 1 बिलियन कुवैत ने दिया है। मुतफर्रक इसके अलावा हैं तुर्की और शाम पर कुछ अखराजात इन्होंने किए हैं, कुछ आइंदा उनके साथ जंग के बाद के वादे हैं जिनका हमें इल्म नहीं हो सका। इसके ये खर्च के अलावा जो हौलनाक तबाही हुई है कुवैत और इराक में, जायदादों की तबाही, उसके मुतल्लिक बयान किया जाता है, मुबस्सिरीन ने जो जायजे लिए हैं, 50 बिलियन डॉलर सिर्फ कुवैत को दो असर नौ तामीर करने पर लगेगा। और ये अंदाज़ा आज से 5-7 दिन पहले का है, और अंदाज़ा लगाने वालों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि इराक पर इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा खर्च होगा, और जिसका मतलब यह है कि 500 बिलियन डॉलर इराक को अपने आप को बहाल करने के लिए दरकार होगा। तो जंग के जो जंग पर जो अखराजात हो रहे हैं, ये रिश्वत पर हो रहे हैं, उनके अलावा ये अखराजात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो जानों की तलफी हुई है और कसरत के साथ बनी नौ इंसान को तकलीफ़ पहुँची है, वो सब इसके सिवा है। तीसरी दुनिया को जो नुकसान इक्तसादी पहुंचा है वो भी सरे दस्त 200 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया है, जो
मुबसरीन कहते हैं कि आगे ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, यानी अब तक 200 बिलियन का नुकसान तीसरी दुनिया के मुल्क गरीब मुल्कों को हो चुका है। अब ये जो हिस्सा है इस सिलसिले में, एक नुकसान फिजा में आलूदगी का नुकसान है और समंदर में आलूदगी का नुकसान है। जो समंदर में आलूदगी शुरू हुई तो एक अमेरिकन जर्नल ने इतराफ़ किया कि, और फ़ख्र से इतराफ़ किया कि हमने तेल के चश्मों पर कामयाबी से हिट किया है और तेल बहना शुरू हो गया है। और दूसरे दिन ही वो सारी कहानी बदल गई और कसरत से फिर बार बार इराक पर इल्ज़ाम लगाकर इराक को मुत्तहम किया गया कि ये ऐसा ज़ालिम कौम है कि वो परिंदों तक को नहीं छोड़ा है इन्होंने जुल्म में, और वो जो कूट्स और कॉमरून और कुछ और मुर्गाबियों किस्म के जानवर बाज़ तो ऐसे थे जो बार बार वही दिखाते थे तेल में डूबे हुए, और ये जाहिर करते थे कि इससे इन लोगों की सफाकी सद्दाम हुसैन की साबित होती है कि किस तरह इन्होंने अपना छोटे छोटे जानवरों तक को भी अपने जुल्म से अलग नहीं रहने दिए, बाहर नहीं रखा। इस नुकसान के मुकाबले पर जिससे ये अपनी इंसानी हमदर्दी और ज़िंदगी से हमदर्दी साबित करते हैं दुनिया पर, इनका दुनिया की तकलीफ़ों से मुतल्लिक जो रवैया है वो मैं आप पर ज़ाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब दजल है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ दज्जाल में इस ज़माने की सारी तारीख अपनी तमाम तफासिल से बयान फरमा दी। ऐसा खौफनाक दजल है कि आप हैरान होंगे ये सुन के कि साल हा साल से अफ्रीका भूख का शिकार है और लखूखा की तादाद में छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े मर्द, जवान सब पंजर बन बन कर दुख उठा उठा कर मरते चले जा रहे हैं और उनकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं। अब जंगी अखराजात का आपने अंदाज़ा सुन लिया है, 550 इसकी तामीर नौ पर खर्च और उससे पहले 100 बिलियन के करीब दूसरे अखराजात और 200 बिलियन दुनिया के नुकसानात, तो ये सारी बात मिलकर बिलाखिर 1000 बिलियन का नुस्खा है। उसके मुकाबले पर आज 25 मिलियन अफ्रीकन भूख के नतीजे में मरने के लिए तैयार बैठा है और ये यूनाइटेड नेशंस का तखमीना है। एक अगर अफ्रीकन को रोज़ाना खुराक मुहैया करने पर $2 खर्च आए तो 25 मिलियन अफ्रीकन की को एक साल के लिए भूख से बचाने के लिए सिर्फ तकरीबन $1.5 बिलियन चाहिए, 1,66,00,000 कुछ चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो 25 मिलियन इंसानों पर रहम नहीं खाते, जो इराक के 16 मिलियन इंसानों पर दौलत के पहाड़ खर्च करके मौत बरसा रहे हैं, उनको हमदर्दी है तो 2 मुर्गाबियों से है और शोर मचाया हुआ है कि चंद मुर्गाबियां मर जाएंगी। महज झूठ, महज फसाद, इंसानी हमदर्दी का कोई शायबा भी इनके अंदर होता तो पहले इंसानी जानों की कदर करते, दुनिया में भूख से मरने वाले गरीब अफ्रीकनों की और दीगर कौमों की फिक्र करते और इक्तसादी अदम तवाजुन को दूर करने की कोशिश करते। इससे आपको पता लगेगा कि 1 बिलियन होता क्या है। 25 मिलियन का मतलब है 2.5 करोड़ इंसान पूरा एक साल इज्जत के साथ रोटी खा सकता है तकरीबन 1.5 बिलियन में। और ये जो 1 बिलियन रोजाना ये मौत बरसाने पर खर्च कर रहे हैं और 1 बिलियन 9 महीने जिंदगी बख्शने के लिए खर्च नहीं कर सकते, और वो भी 25 लाख आदमियों की जिंदगी। मुझे इस पर याद आ गया वो किस्सा, एक दफा चर्चिल ने जॉर्ज लॉयड के पास एडवर्ड ग्रे की सिफारिश करते हुए कहा उनकी ताईद में कि आप उनको पूरी बात नहीं समझ रहे,
उनका कोई कसूर था, वो नाराज़ थे, बड़े सख्त गर्म थे उसके खिलाफ। तो चर्चिल ने कहा कि देखें, वो ऐसा इंसान है एडविड ग्रे कि अगर आज नाटसी कोई उसके पास आए और कहे कि तुम अगर इस पे दस्तखत कर दो जो मैं तजवीज़ पेश करता हूँ, तो इसके बदले मैं तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी ये बात कर मान लूँगा, वो मान लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारी जान बख्शी होगी, जो कुछ भी है उसने बयान किया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन काफ़ी बहुत बढ़ा कर बताया कि उसका, उसकी इंग्लिस्तान से वफा और मोहब्बत का अंदाज़ा करें कि अगर वो नाटसी ये पेशकश करे तो वो ये जवाब देगा कि मैं असूलों के सौदे नहीं कर सकता, मैं यहाँ इन शर्तों पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। लॉयड जॉर्ज ने फौरन चर्चिल को जवाब दिया कि मैं उनको ग्रे को समझता हूँ, अगर नाटसी समझदार हो और वो ये शर्तें पेश करने की बजाय ये शर्तें पेश करे कि अगर तुम यहाँ दस्तखत कर दो हमारी मर्जी के मुताबिक तो बेहतर, वरना जो तुमने गुलेरियाँ पाली हुई हैं मैं उनको मार दूंगा, तो वो फौरन दस्तखत कर दे। यानी तवाज़ुन बिगड़े हुए हैं और बड़ी देर से बिगड़े हुए हैं। कुत्तों की खातिर इंसानों को जलील किया जा सकता है और इंसानों की खातिर अपने मफादात को कुर्बान नहीं किया जा सकता। बस ये जिम्मेदारी में पूरे शरीक हैं और इर्तकाब जुर्म में अगर आज हिसाब नहीं लिया जाएगा तो कल लाजमन इनका हिसाब लिया जाएगा। जो फवायद या नुकसानात हुए हैं, नुकसानात तो मैंने बयान कर दिए हैं, लेकिन कुछ और भी नुकसानात हैं और फवायद भी हैं बाज़। इराक को तो ये फ़ायदा पहुंचा है कि उसने एक बड़ी ताकत का तकब्बुर तोड़ा है और जंग में जाने की वजूहात में एक ये भी वजह बयान की जाती है और बाज़ काबिल मुबसरीन की तरफ से कि दरअसल सदर बुश और अमरीका को तो वो जो पहला कॉम्प्लेक्स था इनको वियतनाम कॉम्प्लेक्स, वो खा गया है। वियतनाम में भी ऐसा ही एक वाक्या गुजर चुका था। वियतनाम में अमरीकनों ने इतनी बमबारी की है कि इराक से पहले कहीं इतनी खौफनाक बमबारी नहीं हुई थी और देहात के देहात साफ कर दिए, इस कदर जिंदगी तलफ की है, इस कदर इक्तसादियात को बर्बाद किया गया है कि एक तरफा ऐसा जुल्म इंसानी तारीख में कम दिखाई देता है कि पूरे बड़े वसी मुल्क पे हो रहा हो। लेकिन उसके बावजूद उस कौम की अजमत किरदार को तोड़ नहीं सके, उनके सर नहीं झुका सके। वो कौम मरती चली गई है, लड़ती चली गई है, लेकिन अमेरिका की खुदाई के सामने उसने सजदा नहीं किया। नतीजा ये निकला कि बिल आखिर इनका अज़्म टूटा है, इनका तकब्बुर टूटा और अपना मकसद हासिल किए बगैर इनको वियतनाम खाली करना पड़ा। वो जो वियतनाम की बातें आप सुनते हैं उनमें बाज़ दफ़ा अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि शायद अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, राय आमा, इंसानी हमदर्दी की वजह से अपनी हुकूमत के पीछे पड़ी है कि इतनी जानें तूने वहाँ तलफ कर दी, अब दोबारा ना करना। हरगिज़ ये बात नहीं है। वियतनाम में 1 करोड़ आदमी मर जाएं, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को कोई तकलीफ नहीं होगी, उतनी भी नहीं होगी जितनी चंद मुर्गाबियां मरने से इनको हुई है। लेकिन अमेरिकन जानों की तलफी और अमेरिकन तकब्बुर को चैलेंज करना, ये इनके लिए एक ऐसा अजाब, रूहानी अजाब बना हुआ है जो ये हजम नहीं कर सकते थे। बस इस जंग की वजूहात में ये सियासी, ये नफसियाती पस मंज़र भी है। अमेरिका की को जो अपना तकब्बुर कुचला हुआ दिखाई देता रहा है, आज तक ये इनका जख्म हरा है, आज तक ये जलन सीने में लिए फिरते हैं। तो वियतनाम का इंतकाम इराक से लेना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इनका हम अज़्म तोड़ेंगे और फिर हमें ठंड पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है कि आज 1 महीना गुजर चुका है, आज तक तो ये अज़्म नहीं तोड़ सके। और जितनी सद्दाम ने बातें की थी वो सच्ची निकलती रही हैं, जो इन्होंने बद इरादे दिखाए थे या तकब्बुर की बातें की थी वो सब झूठी निकलती रही हैं। मुझे याद है सदर बुश ने या इनमें से किसी इनके साथी ने यह कहा था
कि वियतनाम की क्या बातें करते हो, ये वियतनाम, इसको वियतनाम नहीं बनने दिया जाएगा। इट विल नॉट बी ईयर्स, इट विल नॉट बी मंथ्स, इट विल नॉट बी वीक्स, इट विल बी डेज। ये जंग सालों जारी नहीं रहेगी, महीनों जारी नहीं रहेगी, हफ्तों जारी नहीं रहेगी, दिनों की बात है। और उसके बाद हमने सदर बुश को यह कहते हुए सुना, इट विल नॉट बी डेज, इट विल बी वीक्स रनिंग इनटू मंथ्स। तो आज का दिन वो है जिसके बाद रनिंग इनटू मंथ्स वाली बात हो जाएगी, लेकिन इस अगली बात ने पहली बात को झुठलाया है। और सदर सदाम जो बातें कहते रहे, उन्होंने शुरू में कहा था कि शुरू में तुम्हारा पल्ला गालिब होगा, तुम जो मर्जी करो, जितना मर्जी बम बरसा लेना हम पर, आखिर पर जब हम उठेंगे तो फिर हम अपना इंतकाम लेंगे। अब उस मोड़ पर पहुंचकर ये इंतकाम से डरे बैठे हैं, क्योंकि सारा इराक भी नाउज बिल्ला हलाक हो जाए तो अमरीकन पब्लिक ओपिनियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हजार लाशें वहां से अमरीका पहुंचेंगी तो अमरीकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो डावाडोल होगी और उस पर जलजला तारी हो जाएगा। बस इसलिए ये अमन की कोशिशें हैं, और इस पहलू से सदर सदाम ने जो हिकमत अमली इस्तेमाल की है, बड़ी उम्दा और गालिब हिकमत अमली है। दुआ करते रहना चाहिए कि खुदा ताला अपने बंदों पर झूठे खुदा नाफिज ना होने दें। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तौहीद के जख्म लगने का दुख है। अगर इसी तरह झूठे खुदाओं को खुदाई की इजाजत मिलती रही तो खुदा के वाहिद की इबादत करने वाले कौन आएंगे और कहां रहेंगे? इस दुनिया में तो नहीं फिर रह सकते। बस सबसे बड़ा खतरा तौहीद को है, खाना काबा को है, खाना काबा की अजमत को है, मोहम्मद मुस्तफा के खुदा की वादत को, तौहीद को खतरा है। खतरा उनके नाम को है, तौहीद को तो इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन खुदा की गैरत भड़काने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी किस्म के इल्तिजाएं की थी कि ऐ खुदा, आज इस बदर के मैदान में अगर तूने इन मुट्ठी भर इबादत करने वालों को, जो मेरे साथी और मेरे आशिक और तेरे आशिक हैं, इनको मरने दिया, लन तौबदा फिल अर्द अबदा, ऐ मेरे आका, इनके बाद फिर और कोई तेरी कभी इबादत नहीं करेगा। बस आज तौहीद की इज्जत और अजमत का सवाल है, और अहमदी इस बारे बार बात में सीना सपर हैं। और कामिल यकीन के साथ मैं आपको बताता हूं कि सारी दुनिया के अहमदी एक सफ के तौर पर, एक बदन के उज्व की तरह एक दूसरे से ताल्लुक रखते हुए तौहीद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और आइंदा भी हमेशा तैयार रहेंगे। आपको याद होगा हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अगली सदी तौहीद की अजमत और क़याम और नाफिज करने की सदी है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, तौहीद को जो खतरे आज लाहक हुए हैं, दरपेश हैं, ये हमें तैयार करने के लिए दरपेश हैं, हमें बताने के लिए कि तुम कितनी बड़ी अजीम जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पैदा किए गए और खड़े किए गए हो। जो जंगी मकासद हैं और नफ्सियाती अवामिल इसके पीछे हैं, उनका तारीख से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। चूंकि मैं चाहता हूं कि आइंदा खुतबे में ये बात ख़त्म कर दूं, इसलिए आज का खुतबा थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, वरना फिर ये चौथे खुतबे तक बात चली जाएगी। एक पस मंज़र इस मौजूदा लड़ाई का या इसराइल के क़याम का ऐसा तारीखी पस मंज़र है जिसका मुसलमानों और ईसाइयों की तारीखी जंगों से है। आपको याद होगा कि सलीबी जंगें जो 1095 के लगभग शुरू हुई और 1190 में सलाहुद्दीन ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ने, या 90 या 91 में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है, उसके बाद फिर ये छुड़ा नहीं सके, ये तकरीबन 200 साल तक जंगें इसी तरह होती रही हैं। इन जंगों में मुसलमानों ने पहल नहीं की, बल्कि यूरोप की कौमों ने 8 मरतबा तमाम ताकतों ने मिल मिलकर अरब इस्लाम मुसलमानों पर हमले किए हैं। कई दफ़ा इनके पल्ले भारी होते रहे, कई दफ़ा शिकस्त खाते रहे, लेकिन बिल आखिर मुसलमान फ़लस्तीन को इनके हाथों से बचाने में कामयाब हो गए।
और वो जख्म आज तक इनका हरा है और वो भूले नहीं, और उसका गहरा सदमा है कि इतनी बड़ी यूरोपियन ताकतें मिल मिलकर बार बार हमले करती रहीं, रिचर्ड द लायन हार्टेड भी गया और दूसरे फ्रांस के बड़े बड़े जाबिर बादशाह भी गए, जर्मनी भी शामिल हुआ, बेल्जियम भी शरीक हुआ, लेकिन इनकी कुछ नहीं बनी। एक तो वो जख्म हैं जिनके दुख अभी ताज़ा हैं, और कुछ उस्मानी सल्तनत के हाथों जो इनको बार बार जख्म उठानी पड़ी और काफ़ी यूरोप के बहुत से हिस्से पर वो काबिज़ रहे, ये जो हिस्सा है ये भी इनके लिए हमेशा तकलीफ का मुझ बना रहा है और बना रहेगा। मैं आपको इसके मुतल्लिक जो मैंने बस बातें लिखवाई थी याद के तौर पर, वो मालूमतें लिखने वाले भूल गए हैं। खैर, खुलासा यही है कि एक लंबा दौर है इनकी सलीबी जंगों का और सल्तनत उस्मानिया का के अरूज का, खुसूसन सोलोमन द मैग्निफिसेंट यानी सुलेमान ने आज़म के ज़माने में जिस तरह बार बार इनको यूरोपियन ताकतों को जख्म पहुंची है, उसकी वजह से ये लोग मजबूर हुए कि इस्लाम के वो अपने लिए ख़तरा समझें, और इनके नफ्सियाती पस मंज़र में हमेशा ये बात पस पर्दे के पीछे लहराती रहती है कि जिस तरह पहले एक दफ़ा मुसलमान हमारे जारहाना कार्रवाइयों को, जारहाना तो नहीं कहते लेकिन वाकयातन यही थी, बड़ी शिद्दत से रद्द करते रहे, आइंदा कभी इनको ये मौका न दिया जाए कि इस तरह ये अपने मफादात की हमारे खिलाफ हिफाजत कर सके। एक और पस मंज़र बड़ा दिलचस्प और गहरा और बड़ा दर्दनाक है, वो ये है कि जब थियोडोर हर्ज़ल ने पहली दफ़ा यहूद की रियासत कायम करने का यानी इसराइली रियासत कायम करने का मंसूबा पेश किया, तो उसने जो वजह पेश की वो ये थी कि हम पर हज़ारों साल से जुल्म हो रहे हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में जो मजालिम हो रहे थे, और फ्रांस में उससे पहले एक वाकया जुल्म का हुआ था जब एक यहूदी को एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया, ड्रोफुस नाम था गालबन उसका, उसी सिलसिले में हर्ज़ल फ्रांस पहुंचा ऑस्ट्रिया से और इतना गहरा उस पर उस जुल्म का असर हुआ कि उसने ये तहरीक शुरू की। तो वजह ये बयान की गई थी फ़लस्तीन में इसराइली हुकूमत के क़याम की कि हम पर यूरोप में मजालिम हुए। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि जुल्म कहीं हो रहे हैं और इंतकाम किसी और से लिया जा रहा है, ये क्या हिकमत है, और फ़लस्तीन में जाने से इन पर मजालिम का खात्मा किस तरह हो जाएगा। लेकिन वाकया ये है, इस बात में यहूदी यकीनन सच्चे हैं कि ईसाई मगरबी दुनिया ने यहूद पर ऐसे ऐसे दर्दनाक और ऐसे ऐसे हौलनाक मजालिम किए हैं कि कम ही दुनिया की तारीख में कौमों की ऐसी मिसाल मिलती हो जिनको हज़ार साल से ज़ायद अरसे तक इस तरह बार बार मजालिम का निशाना बनाया जाता रहा। इसी मन में मैं चंद अमूर आपके सामने रखता हूँ। ये जो सलीबी जंगें 1095 में शुरू हुई, ये फ्रांस से शुरू हुई और फ्रांस के एक लॉर्ड बड़े जो जिनका नाम मैंने लिखवाया था, बुयों जगह है एक फ्रांस में, ये मुझे याद है कि बुयों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लॉर्ड थे जिन्होंने आगाज़ किया है, और जब उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की और फ्रांस के दूसरे बादशाहों ने मिलकर पहली क्रूसेड का इंतज़ाम किया तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े अजीम मकसद के लिए कुछ सदका भी तो देना चाहिए। तो अच्छे डुबुइयां को ये ख्याल आया कि सबसे अच्छा सदका ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाम लिया जाए और तमाम यहूदियों को तह तह कर दिया जाए।
बस जिस तरह मुसलमानों में कुर्बानी का रिवाज है कि बड़ी बड़ी मुसीबतों पे या उमूर मुहिमा में पेशकदमी करते हुए पहले कुछ सदक़े देते हैं, इस तरह इस अजीम मुहिम पर जाने से पहले इन्होंने ना सिर्फ ये सोचा बल्कि वाक़ियतन फ्रांस में इस तरह ज़ालिमाना कत्ल आम करवाया है यहूद का कि कम ही तारीख में इस तरह किसी निहत्ती कौम के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ होगा। और ये इसकी सलीबी जंग का सदका था। उसके बाद से ये रिवाज बन गया और 200 साल तक के सलीबी जंगों के अरसे में हर जंग में जाने से पहले यहूद सदका किए जाते थे। तो जहां तक जुल्म का ताल्लुक है वो तो जाहिर है। फिर रद्दे बला के तौर पर भी सदका दिया जाता है, उसमें भी यहूद को ही सदका किया करते थे। चुनाचे आपने ब्लैक डेथ का नाम सुना होगा जो 1347 से 1352 तक यानी 14वीं सदी के वस्त में यूरोप में फैली थी, जो एक नहायत ही खौफनाक ताउन की वबा थी, चीन से आई और रफ्ता रफ्ता मशरक़ी यूरोप से होते हुए यहाँ पहुँची। उस वबा में रद्दे बला के तौर पर इन्होंने यहूद का सदका शुरू किया और बहुत सी झूठी कहानियां भी इनके खिलाफ घड़ी गईं कि इनकी नहूसत है और सारी बला जो हम पर वारिद हो रही है ये यहूद की खबासत और नहूसत की वजह से है, इसलिए खुदा ताला को खुश करने के लिए अगर हम नहूसत को तबाह करें तो उससे हमारी बला टल जाएगी। चुनाचे आप हैरान होंगे ये सुनकर कि अनगिनत तादाद है, बयान नहीं की जा सकती, मुअय्यन आदाद शुमार नहीं, कि कितनी तादाद में यहूद को कत्ल किया गया या जिंदा अपने घरों में आग में जलाया गया। जो मोटे आदाद शुमार हैं वो ये हैं कि 60 बड़ी बस्तियों से यानी 60 शहरों से यहूद का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया और 140 छोटी बस्तियों से यहूद का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। ये दूसरा इंतकाम है यहूद से ईसाई दुनिया का। और तीसरा इंतकाम और बहुत से थे लेकिन तीसरा बड़ा इंतकाम नाटसी जर्मनी में इनसे लिया गया, जिसके मुतल्लिक अगरचे आदाद शुमार को सब मौके कबूल नहीं करते लेकिन यहूद का यही इसरार है कि 6 मिलियन यहूद वहाँ गैस चैम्बर्स में मार दिए गए या और मजालिम का शिकार हुए, 60 लाख, और ये 10 साल के अरसे में ऐसा हुआ है। तो इतने भयानक इतने खौफनाक मजालिम थे, उसका तकाजा यह था कि इनको अपना घर दिया जाए, इन्हें ये दलील थी। और इन मजालिम से दौड़ दौड़ कर ये मुसलमानों की पनाह में फलस्तीन जाया करते थे, ये भी तारीख से साबित है। और ये भी साबित है कि मुसलमानों ने अपने अरूज के दौर में यहूद पर मजालिम नहीं किए। 2 दफा सिर्फ फलस्तीन पर ऐसा कब्जा हुआ है जहां जान माल की मुकम्मल हिफाजत दी गई है और किसी यहूदी को या किसी ईसाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 1 दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में और 1 दफा सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया है। इसके सवा मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि एक भी वाक्य ऐसा नहीं जब फलस्तीन पर जाबराना का यानी कब्जा हुआ हो किसी हुकूमत का किसी फौज का और कत्ल आम ना किया हो। चुनाचे रिचर्ड को कर दुलियां यानी लायन हार्टेड अंग्रेज बादशाह ने जब हमला जब फतह किया तो तमाम यहूद मर्दों औरतों और बच्चों को और मुसलमानों को ज़बह करवा दिया गया, कोई नहीं छोड़ा गया। ये इस कौम की अदल की और इंसाफ की और रहम की और इंसानी कदरों की तारीख है जिसने यहूद को मजबूर किया और हरजल के दिल में ख्याल आया कि हम अमन में नहीं हैं। बस अगर अमन में नहीं थे तो यहाँ से या तो सारे भागते, लेकिन ये क्या इलाज हुआ कि सारा यूरोप उसी तरह अपने कब्जे में बल्कि यहाँ कब्जा बढ़ा दिया गया और उसके अलावा मुसलमानों के दिल में जा बैठे। बस ये कोई इलाज नहीं है, ये तो वैसी ही बात है जैसे गधे से दुलत्ती खा के कोई ऊँट की कोंचे काट दे। अरब ऊँट का निशान है और दज्जाल का गधा आपने सुना, बहुत बड़ा जुल्म है, कोई मंतक इसमें नहीं है। ईसाइयों के लिए ईसाई ताकतों के लिए मैं समझता हूँ
इन फैसलों में एक ये भी नफ्सियाती पस मंजर बन गया है। सोचने की बात यह है कि क्यों बार बार यहूद पर मजालिम हुए। मालूम होता है हर जुल्म के नतीजे में यहूद का, चूंकि ये तारीखी मसलक है कि आंख के बदले आंख, वो जरूर बदला लेते हैं। इसलिए एक तारीखी सिलसिला चला आ रहा है, ये कमजोर कौमों की तरह छुप कर मख्फी तदबीरों के जरिए बदले लेते होंगे, वरना यह हो ही नहीं सकता कि 2000 साल तक ये अपनी तारीख भूले रहे और अपना मिजाज बिल्कुल फितरत से नोच के निकाल दें। यह हो ही नहीं सकता। चुनाचे वो तारीख हमारे पास महफूज नहीं, क्या किया करते थे ये पता है, कुछ इल्ज़ाम इन पर ज़रूर लगते थे और इनसे जुल्म किया जाता था, इन पर जुल्म किया जाता था। बस वो मजालिम जो इन पर इनसे किए गए हैं वो मगरिब को खूब याद हैं और मगरिब इनके मिजाज से वाकिफ़ है। शेक्सपियर का शाइलॉक इनके इंतकामी जज्बे की एक हमेशा के लिए एक अदबी तस्वीर बना बैठा है। ऐसे हालात में हो सकता है कि आगाज में तो ये ख्याल ना आया हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता इनकी सोचों में ये बात दाखिल हो गई हो कि यहूद को का ख़तरा अपने से दुनिया इस्लाम की दुनिया की तरफ क्यों ना मुंतकिल कर दिया जाए और उसे दोहरा फ़ायदा हासिल होगा। एक वक्त में दो दुश्मन मारे जाएंगे। एक लतीफ़ा है तो लतीफ़ा, लेकिन बेहुदा साहब है इसी किस्म के मिजाज का लतीफ़ा है कि एक लड़की के मुतल्लिक कहते हैं उससे उसके तीन दावेदार थे, तीन ख्वाहिशमंद थे उससे शादी करने के। उनमें से एक ज़्यादा होशियार था, वो खामोश बैठा हुआ था और दो आपस में खूब लड़ते बढ़ते थे। तो किसी ने उससे पूछा, तुम तो बड़े होशियार हो, तुम कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे? उसने कहा, तू फिक्र ना करो, मैं एक को दूसरे से लड़ा रहा हूँ और नीयत यह है कि वो उसको कत्ल कर दे तो मैं मकतूल के हक में उसके खिलाफ गवाह बन जाऊँ। तो एक कत्ल होगा, दूसरा फांसी चढ़ेगा, मैदान मेरे हाथ रहेगा। तो ये लतीफ़ा वैसे तो लतीफ़ा ही है, लेकिन अमली दुनिया में एक भयानक जुर्म की सूरत में हमारे सामने जाहिर हो रहा है, खेला जा रहा है। और आखिरी साजिश यही है कि यहूद को हमेशा के लिए मुसलमानों के से इंतकाम लेने के लिए, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल करते रहो और यहूद का गुस्सा जो हमारे ख़िलाफ़ है वो मुसलमानों पर उतरता रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं आइंदा बयान करूँगा, ये बड़ी सख्त बेवकूफ़ी है मगरिब की, वो धोखे में है, वो धोखा खाएंगे और उस वक्त उनको पता लगेगा कि हम क्या गलतियां कर बैठे हैं जब यहूद कुलियत उनके हाथ से निकल चुके होंगे। आइंदा मैं बाज मशवरे दूंगा मगरबी ताकतों को इस सूरत हाल में इस गंद से निकलने के लिए जो वो जिसमें मुबतला हो बैठे हैं, और वाकई दुनिया में क़याम अमन के लिए क्या करना चाहिए, अपने अंदर क्या तब्दीलियां पैदा करनी चाहिए। और फिर यहूद को मशवरा दूंगा कि तुम अगर इन बातों से बाज नहीं आएगे तो कुरान करीम ने तुम्हारे लिए कौन सा मुकद्दर पेश किया है, और अगर तुम फ़ायदा नहीं उठाओगे इन नसीहतों से तो उस मुकद्दर से तुम बच नहीं सकते फिर। और तीसरा, अरबों और मुसलमानों को मशवरा दूंगा इंशाल्लाह कि इस नई बदलती हुई दुनिया में तुम्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए, कौन सी गलतियां कर बैठे हो जिनका इयादा नहीं होना चाहिए, और आइंदा के लिए क्या लाया अमल हो। और चौथा, मुख्तलिफ दुनिया की कौमों को मशवरा दूंगा कि किस तरह झूठे खुदाओं से आज़ादी के लिए एक माकूल और पुरअमन जिद्दोजहद के लिए तैयार हो जाओ। ये जाहिलाना जज्बाती बातें हैं कि अंग्रेज से नफरत करो, अमेरिका से नफरत करो, ये हैं ही पागलों वाली बातें। नफरत कभी कामयाब हो ही नहीं सकी दुनिया में, आला अकदार कामयाब होती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कामयाब हुआ करती है और खुल्क अजीम की सीरत है। मुसलमान अगर उस सीरत को अपना लें तो सब दुनिया के लिए एक अजीम शान नमूना बनेगा, और वो एक ऐसी सीरत है जो मगलूब होने के लिए पैदा नहीं की गई। कोई दुनिया की ताकत सीरत मोहम्मदी पर गालिब नहीं आ सकती।
بس اس انصاف کی سیرت کی طرف لوٹو, اس نمونے کو اختیار کرو, تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا کے مسائل طے ہو سکتے ہیں اور وہ حقیقی انقلاب نو آ سکتا ہے جسے ہم اس دنیا میں خدا کی عطا کردہ ایک جنت قرار دے سکتے ہیں. اگر نہیں تو اسی طرح یہ لڑتے مرتے رہیں گے, اسی طرح دنیا ابتلاؤں اور فسادوں میں مبتلا رہے گی. لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.